I'm too simple to start with. And if you talk about Bombay, it's too hot. Bombay is too hot. Our actors are as well too hot. I have always been talking about my journey in most of my interviews. It haven't been easy for me because in my early ages, in my childhood, my father died when I was in my teens, early teens. But yeah, still my mother, she motivated me a lot and which kept me going. God has been very, very kind to me. I have got good opportunities to be on the right platform. मैं कोशिश करती गई, सब बड़ों की दुआएं मेरे साथ थी और आप सब की सपोर्ट थी, तो नाउ आई एम ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। सर, आपको कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि इस फील्ड में आप अपना फ्यूचर बना सकती हैं, अपना काम को आगे ले जा सकती हैं? कुछ जो जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ना, वो किसी भी फील्ड के हों, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनमें वो स्पार्क हमेशा से होता है। वो शायद बचपन से ही था। मेरी मदर मुझे बताती हैं कि मैं न्यू एट केड मैं हर आधे घंटे में कपड़े चेंज करती थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो चेंजिंग क्लोथ्स एंड वेयरिंग समथिंग स्टाइलिश, तो वो था, वो डेवलप होता गया लाइक अ वायरस, फैशन वायरस। मैं बता रही हूँ ना, वायरस था, फैमिली ने आइडेंटिफाई कर लिया कि फैशन वायरस है, इसके अंदर जाने दो। Yeah, when I was in Bombay, I have done a lot of fashion shows in Bombay. Then I moved to Dubai. फिर मैं जब दुबई गई, मुझे हमेशा से ये था कि कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ, कुछ अलग करूँ, और जो चला आ रहा है पुराना पहले से, ऐसा नहीं कि मुझे भूल जाएंगे, लेकिन उसके साथ समथिंग कुछ नया मिक्स करके कुछ बहुत अच्छा किया जाए, तो मुझे एक्सप्लोर करना था और मुझे मौका मिल रहा था दुबई में, तो आई वेंट टू दुबई, आई वर्क देयर और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं वहीं पर रुक गई। फिर मैं टर्की से मुझे कुछ ऑफर्स थे, देन आई वेंट टू टर्की एंड आई ओपन माई ओन कंपनी देयर फॉर import and export for textiles, where I am trying to build up things like which will be very good for Indian fabrics, Indian textile industry, where I want to promote khadi. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे Indian fabrics को promote करना है, मुझे handloom को promote करना है, because अगर handloom और khadi promote होगा तो बहुत लोगों के लिए काम, मतलब काम जनरेट होगा। अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत से लोग अभी जॉब्स के लिए भटक रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भटक रहे हैं, तब बोलो तो ये कह सकते हो सोशल सर्विस हो जाएगी, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो हमारे हैंडलूमर्स हैं ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बहुत एक ग्रैंड लेवल पर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, और जो हमारे देश के लिए ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा अपना जो कलेक्शन है वो खादी में बनाती हूँ, और हैंडलूम को मैं हमेशा से मतलब प्रमोट करती रही हूँ, और आगे भी मुझे वही करना है, क्योंकि फैब्रिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बहुत सारे स्टफ़ चाइना से आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, होता रहा है पहले, तो बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनको आप कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा आपकी बॉडी पर रिएक्ट करता है। आप लोगों को शायद पता हो, कभी खुजली हो जाती है कोई कपड़ा पहनकर, कभी इचिंग हो जाती है, कभी लाल हो जाती है स्किन, तो वो केमिकल रिएक्ट मतलब रिएक्शन होता है एक तरह का फैब्रिक से, तो मैं ऑर्गेनिक फैब्रिक पे इस तरह की चीज़ों पर काम करना चाहती हूँ जो स्किन फ्रेंडली हो और एक ब्रॉडर लेवल पर अच्छा हो। Public will love it if we launch new designs in khadi and other stuff. Yeah. And if you want to show me a show, sir, then what demand is it? लोग हमेशा मुझे इंडियन फैशन के बारे में पूछते हैं कि आपके कंट्री में कैसा है, तो हमेशा मेरी चीज़ों में हमारे कंट्री की थोड़ी सी झलक रखती हूँ मैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा वेस्टर्न और इंडियन को थोड़ा मिक्स करना पड़ता है, और दूसरे कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है वो तो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सेल, ऐसे भी चाहिए ना। या
एज आई हैव बीन इन बॉम्बे फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत टाइम रही हूँ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी काम करती रही हूँ, छोटे बड़े सब, हर तरफ कोई छोटा नहीं होता, मतलब सब अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आई हैव वर्क विद सो मैनी, आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू वर्क विद सो मैनी एक्टर्स, और आगे भी करते रहना है. जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी तो वाई नॉट, अगर कुछ अच्छा है तो वाई नॉट. मुझे सबके साथ काम करना है, कोई नाम नहीं है. फॉर मी नोबडी इज बिग, नोबडी इज स्मॉल. सो जो अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जहाँ पे मुझे मेरी क्रिएटिविटी दिखाने की लिबर्टी मिलेगी, मैं वहाँ काम करूंगी. मुझे ऐसा नहीं पसंद है कि कोई, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मूवी का प्रोजेक्ट कर रही हूँ कभी और कोई डायरेक्टर मुझे आके बोलेगा भाई ये कपड़े बना रहे हैं ऐसा करना, सो नॉट इनटू दैट. मतलब आई नीड टू नो द प्रॉपर स्टोरी लाइन, उस पर कैसा रहेगा डिटेल्ड वर्क. जैसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ अपने मोस्ट फेवरेट संजय लीला भंसाली जी को, बहुत ज्यादा मतलब डीपर लेवल पे काम करते हैं और बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है. तो मुझे वैसा पसंद है कुछ करना, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूंगी. क्यों क्यों मुझे डाल रहे हो कॉन्ट्रोवर्सी में, उनमें कमी कौन निकाल सकता है, प्लीज इज द बेस्ट. अभी कुछ बचा नहीं है दैट आई टॉक अबाउट इट. और अभी एट द मोमेंट आई एम नॉट वर्किंग, बट या इन फ्यूचर ऑब्वियसली इट विल बी ऑन गोइंग प्रोसेस. मेरा सपना, इफ यू टॉक अबाउट माई सपना इज टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री. कुछ मैं ऐसा करूँ जिसमें मेरे देश का नाम हो और लोग मेरे देश के ट्रेंड को फॉलो करें, ना कि हम किसी को फॉलो करें. हम ट्रेंड सेटर, हमें ट्रेंड सेटर बनना है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं बनना है. हम बड़े डिजाइनर्स को देख कर दूसरे डिजाइनर्स से हम सीखते तो हैं, बिकॉज दे आर सीनियर एंड आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, यहाँ भी इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी. बट हमें तो ट्रेंड सेटर बनना, मेरा थोड़ा अपना ये बन रहा है. मोमेंट इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ डिजाइनर मस्ट हैव अ डिजाइनर स्टोर, ओन स्टोर, बिकॉज ऑनलाइन यू नो सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन मार्केट इज वेरी वाइड एंड ह्यूज. सो इंटरनेशनली हर जगह विजिबिलिटी ईजी हो गई है अभी. सो अ डिजाइनर डजंट नीड टू ओपन अ पर्सनल स्टोर काइंड ऑफ अ थिंग. अभी बहुत सारे मल्टी डिजाइनर स्टोर्स हैं, तो मतलब हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है. द हाफ द वर्क इज डन, हमें कलेक्शन बनाना है, उनको देना, दैट्स डन, मच इजियर. When Lauren Gottlieb, when she came to India, she was introduced to me. I was the first one, like we worked together. Oh, she's very talented, obviously everyone knows that. She did some dance training to Tom Cruise as well, as I heard, you know. So yeah, it was a pleasant experience. Aur aage bhi bahut kuch hai karne ke liye. मैं मौका कोई भी नहीं छोड़ती. So whatever comes my way, it is, if it is good enough, and if I get opportunity to create something amazing, then I will do it. I would love to do it. मुंबई में या इंडिया में कहीं ऐसा कुछ सोचा आपने, लखनऊ में आपको से आपको नॉन करती है, इसी तरह छोटा मोटा इंस्टीट्यूट या बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, फैशन को लेकर या फिर बच्चों को काम, ऐसा कुछ सोचा है आपने या? See.
एज एवरीवन नोज यूपी की मिट्टी भी बहुत स्ट्रांग है. हमारे देश को बड़े बड़े प्रधानमंत्री मिले हैं वहाँ से, तो अ लॉट ऑफ टैलेंट इज देयर. सो अगर मुझे मौका मिलेगा फैशन के क्षेत्र से कुछ करने का, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उधर खोला जाए जिससे बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, रोजगार जनरेट होगा, टैलेंट को सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा बडिंग डिज़ाइनर्स को, और जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा. और यू नेवर नो कि कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट निकलेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा बाहर जाकर. I have my social media handle as well everywhere. They can search for me, my label, Sana Khan Fashion. They can Google as well, Sana Aziz Khan. So there are, they can reach to me. It's easy. Easy breezy. असल में मैंने पूछा अगर बड़े प्रोजेक्ट्स या कोई बड़ा धमाका करने वाले हो तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? माँ का जब होता है तभी अच्छा लगता है. पहले क्या बात करें, लेट इट हैपन, फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह द बेस्ट विल कम. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर.